Hey guys, what's up? And welcome to our channel, The Art Crayon. So, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी वॉश पेंटिंग कैसे करते हैं, पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको आपका फाइनल लेआउट ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस करना है, देन उसको फाइनल पेपर पे उतारना है। मैंने यहाँ पे फेवरियानो पेपर 300 GSM यूज किया है, आप जैसे चाहो यूज कर सकते हो। देन आपको एक कपड़ा लेना है, याद रखे वो आपका पेपर फाइनल पेपर से साइज से बड़ा हो। यहाँ पे जैसे मैं दिखा रही हूँ, पहले आपको बोर्ड को धोना है, देन कपड़े को धोना है और कपड़े को बोर्ड के ऊपर रखना है और ऐसे ही रखना है कि कोई भी हवा उसके अंदर से जा ना सके। आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई हवा ना रहे, अच्छे से इसको फ्लैट लेवल कर लेना है। ये होने के बाद देन आपका फाइनल पेपर रखिए उसके ऊपर। अब आप कपड़े से पेपर के कोने पे हर जगह पे फोल्ड कर ले, एटलीस्ट हाफ सेंटीमीटर तो फोल्ड कर ले। आप अगर लाइन खींच लेते हो, एक बॉर्डर खींच लेते हो तो ज्यादा अच्छा होता है, तो वो बॉर्डर के हिसाब से आप फोल्ड कर सकते हो। आप कपड़े को अच्छे से मोड़ ले चारों साइड से पेपर के। इस प्रोसेस को अच्छे से करने के बाद देन आप कलर स्टार्ट करें। जहाँ पे जो कलर आपको देने हैं वहाँ पे आप फ्लैट से वो कलर दे दें। अब जो कलर मिलाएंगे वो थोड़ा सा थिक होगा एज कम्पेयर टू वाटर कलर। जो हम लोग वाटर कलर करते हैं वो बहुत पतला होता है, वैसे पतला नहीं करना है, थोड़ा सा थिक करना है वाटर कलर से। आपका जब पहला पूरा टोन कंप्लीट हो जाए, पूरा कंपोजिशन का कलर्स कंप्लीट हो जाए, देन आप नेक्स्ट डे अगर स्टार्ट करते हो तो और वो सूख जाता है तो देन आपको फिर से उसको भिगाना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले किया था। यहाँ पे मैं दिखा दूंगी।
आपको सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, और बेहतर होगा कि आप एक दिन में ही कंप्लीट करना ना चाहे, थोड़ा टाइम लेके 2-3 दिन और भी ज्यादा टाइम लगाए। देन आप यहाँ पे सेकेंड टोन थर्ड टोन का यूज करें, आपको जहाँ पे जो टोन देना है और जो जो डिटेलिंग्स करने हैं वो आप यहाँ पे कर ले। रखें कि आपको डिटेलिंग बहुत अच्छे से करना है। आपका डिटेलिंग कंप्लीट होने के बाद आप एक कटोरी पे कलर्स खोल ले, देन आप वॉश स्टार्ट करें। आप 2-3 टोन्स दे सकते हो वॉश के, आपको जहां तक ठीक लगे, आपको जहां लगे कि हाँ आप ठीक लग रहा है तो आप वहां पे रोक लो, आपको उसके बाद देने की वॉश करने की जरूरत है। अब एक वॉश जब ड्राई हो जाए देन नेक्स्ट और एक वॉश दीजिएगा।
आपका वॉश कंप्लीट होने के बाद आप फिनिशिंग वर्क स्टार्ट करें। यहाँ पे मैं हर जगह पे लाइन से बॉर्डर कर रही हूँ और ये जो है 00 का ब्रश है, तो आप ऐसे ही थिन ब्रश से लाइन से बॉर्डर करें ताकि आपका जो लाइन्स हो बहुत ही ज्यादा मोटा ना हो, एकदम थिन रहे। आपको पता चले कि उनको पता चले देखने वाले को कि कितना डिटेलिंग से और कितना शॉकिंग वर्क है ये। जहाँ पे व्हाइट की जरूरत है आप वहाँ पे व्हाइट दे दे, लेकिन बहुत अच्छे से दे, ऐसे दे कि स्मूथ लगे। फिर जो बॉर्डर छोड़े है आपने उसे भी व्हाइट कलर से कलर कर दे। ऑलमोस्ट ये फिनिश होने वाला है, फिनिशिंग पे ध्यान दें और फिनिशिंग अच्छे से करें। अब देखिए फिनिशिंग के बाद ऐसे लगेगी ये। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूले, आप याद से सब्सक्राइब भी करके जाए। तो अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड टेक केयर।